मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 38 इन मैथ चैप्टर 4, टिक टिक टिक। लेट्स स्टार्ट। लुक एट द फोटो एंड गैस द टाइम एट दिस पेज। आपको ये फोटो दी गई है, आपको उसको देखना है और आपको टाइम गैस करना है कि क्या टाइम हुआ होगा। दिस फोटो वॉज टेकन इन पेरिस फ्रांस। जो पीछे आपने पेरिस की है, इन पेरिस द सनसेट आफ्टर 9 PM एट नाइट ड्यूरिंग समर। समर में जो पेरिस में जो सनसेट होता है, यानी जो आपका सूर्य अस्त होता है, वो होता है 9 PM पर। दिस फोटो वॉज टेकन एट नाइट। और जो आपकी फ़ोटो है, ये आपकी नाइट में ली गई है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नाइट में भी समर में कितना उजाला है, ठीक है, यहाँ पर देखिए। बट इन विंटर इट बिकम डार्क हेयर बाय 4 PM इन द इवनिंग। लेकिन विंटर में यहाँ पर काफ़ी अंधेरा हो जाता है, मीन्स ये जो यहाँ पर लाइट दी गई है डार्क हो जाती है, और शाम 4 PM पर ही आपका ये जो मौसम है, यहाँ पर ये जो टाइमिंग दी है 4 PM इन द इवनिंग, क्योंकि विंटर में यहाँ पर शाम के 4 o'clock पर ही यहाँ पर बहुत ही डार्क हो जाता है। अब आपको यहाँ पर दिया, यहाँ पर पहुँच दी गई है, आपको इसमें डिफरेंस बताना है कि इसको मूव होने में कितना टाइम लगा। ओके, चलिए देखते हैं। फर्स्ट वॉच, फाइंड आउट हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मिनट हैंड को मूव होने में, वन वॉच से दूसरी वॉच में मूव होने में कितना टाइम लगा। आप ए वॉच देखेंगे, यहाँ पर जो आपकी टाइमिंग है, यहाँ पर हो रहा है 3:35। कितना हो रहा है? 3:35, ठीक है। और जो आपकी सेकंड वॉच है, यहाँ पर हो रहे हैं आपके 3:50। अब देखिए, यहाँ पर 35 हो रहे थे, यहाँ पर हो रहे हैं 50 हो रहे हैं। तो कितना टाइम लगा 10 तक आने में? तो यहाँ पर फर्स्ट वॉच में देखिए 7 पर थी और यहाँ पर 10 पर थी, तो कितना मिनट हुआ? 1, 2, यानी 3 राउंड मूव हुए, यानी आपका हुआ 15 मिनट्स, क्योंकि 7 पर थी और अब यहाँ पर 50 पर, यहाँ पर 10 पर है, तो कितने मिनट्स लगे आपको? 15 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट वॉच दी गई है, यहाँ पर आपका जो टाइमिंग हो रहा है वो है 3:40, और सेकंड वॉच में कितना टाइम हो रहा है आपका? 4 o'clock, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपकी जो आपका मेन हैंड है वो 8 पर था और यहाँ पर है 12 पर, तो कितना टाइम लगा? आप देखिए कितने यहाँ पर है, 5, 5 to 10, 15, 20, यहाँ पर कितने मिनट लगे आपको? 20 मिनट। तो ये आपको अपनी बुक में सोल्व करना है, ओके, और इसको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट पेज नंबर 39, यहाँ पर आपको हैंड ड्रॉ करने हैं, ये भी आपको अपनी बुक में ही करना है। ड्रॉ वेयर द हैंड विल बी, यहाँ पर दिया गया है कि आपको हैंड ड्रॉ करना है, जहाँ जो भी टाइम दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर दिया गया 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock, यानी यहाँ पर 6 o'clock के बाद 20 मिनट्स बताना है। तो आपका जो हार्स हैंड होगा वो किस पर होगा? 6 पर, और जो लॉन्ग हैंड होगा वो आपका हो जाएगा 4 पर। तो यहाँ पर यह हैंड आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका यहाँ पर, हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक। आपकी जो स्कूल असेंबली कितना टाइम लगता है? तो यहाँ पर लेंगे 30 मिनट्स। हाउ लॉन्ग इज योर लंच ब्रेक, तो यहाँ पर लंच ब्रेक कितने टाइम का होता है? 20 मिनट्स का, ठीक है, ये भी आपको बुक में फिल करना है। हाउ लॉन्ग इज योर गेम पीरियड, गेम पीरियड कितने मिनट्स का होता है आपका? 40 मिनट्स का। इज इट द सेम एज ऑल द अदर पीरियड? यस, सभी पीरियड सेम होते हैं, बट जो 2 पीरियड्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, एक लंच होता है और आपका ये लंच ब्रेक और असेंबली टाइम, ओके। ये अभी आपको अपनी बुक में ही अच्छे से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है पेज नंबर 40, यहाँ पर ये आपको खुद से गैस करना है और आपको इसमें लिखना है। हाउ मैनी मिनट कैन दिस एक्टिविटी टेक, आप जो यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है आपको इसमें कितना टाइम लगा सकते हैं। आपको अपने घर पर चेक करना है इससे भी एक्टिविटी और बताना है अपनी वॉच में टाइमिंग देखकर कि कितना, जैसे यहाँ पर दिया है बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क को बॉयल करने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट लगती है या 2 मिनट लगती है, जितनी भी फिलहाल
बकेट बकेट को फिल होने में कितना मिनट लगती है, स्वीपिंग योर रूम, रूम को स्वीप करते टाइम कितना मिनट लगता है, आपको खुद से इमेजिन करना है और खुद से ही लिखना है। और यहाँ पर दिया गया है एक्टिविटी टाइम और ये बुक में ही करना है। नेक्स्ट है एक्टिविटी टाइम, इन वन मिनट हाउ मैनी टाइम कैन यू, कि आप वन मिनट में इसको कितनी बार कर सकते हो, स्नैप योर फिंगर, वन मिनट में आप अपने फिंगर कैसे कितनी बार स्नैप कर सकते हो, टू टाइम, थ्री टाइम, जो भी है, स्कीपर रोप, जंप अप एंड डाउन। और यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको खुद से ही लिखनी है, यहाँ पर आप ड्रिंकिंग लिख सकते हो या कुछ भी, प्लेइंग फुटबॉल या कुछ भी, यहाँ पर जो भी आपको एक्टिविटी लिखनी है वो आपको खुद से ही लिखनी है। नेक्स्ट हेयर इज, नेक्स्ट दिया गया है आपका हेयर इज अनदर चैलेंज फॉर यू, हाउ लॉन्ग कैन यू, आपको चैलेंज दिए गए और आपको बताना है आपको इसमें कितना टाइम लगता है। से स्पीक नॉन स्टॉप, आपको बिना रुके बोलना है और आपको जब बोलते टाइम आपको अपनी वॉच में टाइम सेट करना है और आपको देखना है, और जब आप रुकोगे तो आप उसमें अपनी वॉच में टाइम देखेंगे कि आपने ये कितने टाइम में किया। जैसे यहाँ पर दिया स्पीक नॉन स्टॉप, आपको बिना बोले रुकना है, बिना रुके बोलना है लगातार, यानी तो कितना टाइम लगता है, वन मिनट या 20 सेकेंड, जितना भी आपका आएगा वो यहाँ पर आपको फिल करना है। स्टैंड वन लैग, आपको अपनी वन लैग पर स्टैंड होना है, यानी खड़े होना है, जैसे यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। और आपको अपनी वॉच में टाइमिंग देखकर बताना है कि यहाँ पर कितना टाइम लग सकता है, तो ये भी बुक में फिल करना है। सिंग ऑफ विदाउट अ ब्रेक, आपको सिंग करना है ऑफ, तो ये कितने टाइम तक कर सकते हो, ये भी, तो ये सब आपको अपनी वॉच में देख कर फिल करना है। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रन अ 50 मीटर रेस, 50 मीटर की रेस में कितना कर सकते हो आप, कलेक्ट 50 पेबल फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 50 पेबल कलेक्ट करने में कितना टाइम लगता है, काउंट 1 to 100, 1 to 100 काउंट कीजिए और आपको बताना कि यहाँ पर जब आप 100 पर पहुँच जाते हो आपको कितना टाइम लगा ये सब करने में, तो ये आपको खुद से ही अपनी बुक में सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।